أمس أرد الفوتو تقول كس كأنه شو كأنه شو مرود بكرة. मैं हर एक की दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, हम अमन से रह सकें, चैन से रह सकें, भाईचारे में रह सकें। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती कि अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हमारे गुनाहों को अफू कर, हम गुनाहगार हैं, तू मालिक है, तू माफ़ कर सकता है, हमें माफ़ कर और हमें बेहतर दिन दिखा, हमारी बेकारी बदहाली इसको दूर कर कि हम लोग भी चैन का सांस ले सकें और ये जो आतंकवाद है इससे हमें निजात दे, क्योंकि हमारे तशक्कुस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसलिए वो दुआ भी मांगी कि अल्लाह इसको ठीक कर और ये बड़े मुल्क जो हैं तो इनमें कोई रास्ता निकाल जिसे कि हम लोग अमन से रह सकें। असली चीज़ है उसकी तनकीद तो करेंगे, अगर अच्छी चीज़ नहीं हो तो क्यों तनकीद करते, करना तो पड़ेगा, ये माने या ना माने रास्ता वही है, लड़ाई का रास्ता नहीं कि मैं हम सब कोशिश, वो कहते हैं यूटी में नहीं लड़ना चाहता, मैं लड़ना पड़ेगा, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़े, यूटी हो या कुछ हो, लोगों को राहत चाहिए और राहत बगैर नहीं मिलेगी जब तक हम लड़े नहीं, लोगों की मुश्किलें दूर करें या बदाली। देखिए बेकार कितने हमारे जवान हैं, पढ़े लिखे बेकार, महंगाई आसमान से बात कर रहे हैं, लोगों के घरों में खाना नहीं है, उसको दूर करना है, वो वक्त बताएगा, अभी तो वक्त है, उस वक्त पूछेगा जब इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ आ रहे हैं, अल्लाह करे कि वो आए, यहाँ की अच्छी खूबसूरत हवा से अपने सेहत को ठीक करें और हमारी मुश्किलें देखें, जिसका अजाला करना ज़रूरी है, मरकज़ के बगैर हो नहीं सकता। अब नए पी एम है, आज BJP की हुकूमत नहीं है, आज NDA की हुकूमत है, इसमें उन्हें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा।